किए थे हो रहे हैं? यस सर। ओके ठीक है, तो उसके क्वेश्चन आप ट्राई करोगे तो आपके हो जाएंगे, क्योंकि हमने काफी प्रैक्टिस कल कर ली थी, है ना? तो यू कैन इजीली डू इट। तो कल हमने जो किया था, ये सब हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे और हमने देखा था स्लिट कैसे कैसे इसमें बनता है पैटर्न, फर्स्ट मैक्सिमा सेकंड मैक्सिमा ये सब देखा था, इंटेंसिटी वगैरह, फिर क्वेश्चन किए डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है, ये सब हमने कल किया था। अच्छा एक चीज बताओ, मान लो कि इस स्लिट में दो स्लिट हैं, ये लाइट हमने की ऐसे आ रही है ना, अगर आप देखोगे तो हमने ये ज़ूम किया है कि आपकी जो लाइट आ रही है वो ऐसे आ रही है स्ट्रेट, वेवलेट आप ऐसे आ रहा है, ऐसे टकरा रहा है, फिर दो स्लिट हैं यहाँ पे, उनसे पार होके फिर यहाँ स्क्रीन पे इमेज बन रही है, ठीक है? इस केस में सेंटर मैक्सिमा जो आपका बनता है वो बिल्कुल भी यहाँ पे बनता है। अगर मान लो ये लाइट ऐसे ना के ऐसे आ रही होती एंगल पे और फिर ये स्लिट पे टकराती, यहाँ पे दो स्लिट है मान लो, एक स्लिट यहाँ पे, एक स्लिट यहाँ पे टकराती और फिर आपका मैक्सिमा और पैटर्न मिनिमा का जो पैटर्न है वो स्क्रीन पे, जो अगर आप ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, जो ऊपर वाली वेव वन है इसने इतना एक्स्ट्रा पार्ट ट्रेवल कर लिया यहाँ तक पहुंचते पहुंचते ही, है ना, तो इसके कारण इसमें एडिशनल पाथ डिफरेंस आ जाएगा। मान लो आपने ये पाथ निकाला, सपोज ये आ गया डेल्टा एक्स आ गया सपोज, तो जब आप यहाँ पे पाथ डिफरेंस निकालो आप क्या लिखते हो, एस टू पी माइनस एस वन पी इज पाथ डिफरेंस जब निकालते हो, है ना, पाथ है वो एस टू पी होगा, लेकिन एस वन पी जब आप लिखोगे तो आप क्या लिखोगे, एस वन पी की जगह पे माइनस एस वन पी प्लस डेल्टा एक्स माइनस एस वन पी प्लस डेल्टा एक्स, क्योंकि नीचे वाली वेव डेल्टा एक्स, सॉरी जो फर्स्ट वेव है ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस है डेल्टा एक्स पे ट्रेवल किया है, इस केस में डिफरेंस हमारा ये आएगा। ये क्लियर हुआ? ऐसे केस में ऐसे होगा, ऐसे केस में ऐसे होगा, ये समझ में आया नहीं आया? यस सर। यस सर। यस सर। ऊपर बनेगा इन सेंट्रल लाइन से। सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। No guess?
कोई गैस नहीं कर पा रहा, ऊपर आएगा नीचे, पार्ट डिफरेंस जीरो कहां पे आएगा? सही भी नहीं कर पा रहे गैस, पार्ट डिफरेंस जीरो आना है ना, पार्ट डिफरेंस जीरो कैसे आता था हमारा? यहाँ पे जीरो क्यों आता था? क्योंकि रे आपकी इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करती थी, यहाँ तक तो पार्ट डिफरेंस जीरो था, कोई पार्ट डिफरेंस नहीं था। तो पार्ट डिफरेंस क्रिएट हुआ वो किसके कारण हुआ? ये एस वन पी ट्रेवल किया और ये एस टू पी ट्रेवल किया, तो पार्ट डिफरेंस इसके कारण क्रिएट होता है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। अभी यहाँ जब आएंगे कहाँ बनेगा मैक्सिमम? ये समझ में आया? ये वाला केस समझ में आया जो नॉर्मल केस होता है, समझ में आ रहा है? सुन तो पा रहे हो? मैं कह रहा नॉर्मल केस समझ में आ रहा है आप लोगों को? ये नॉर्मल केस हमारा बन रहा है कि उसमें जो है अगर मैं पार्ट डिफरेंस यहाँ पे निकालूंगा तो पाथ जो होगा वो एस टू पी का जो ज्यादा होगा, एस वन सर वॉइस ब्रेक हो रहा है, कम होगा। यहाँ पे निकालूंगा तो एस टू पी का कम होगा, एस वन का ज्यादा होगा। समझ में आ रही है बात? ब्रेक हो रही है अभी, एक मिनट रुको। यस सर। हाँ अब आ रही है आप लोगों को आवाज? आप सुन पा रहे हैं आप मुझे? आप सुन पा रहे हैं मुझे? यस सर। अच्छा क्लियर है ना वॉइस? अब तो ब्रेक नहीं हो रही है वॉइस? नो सर। यस सर। ओके ठीक है। ओके तो मैं ये कह रहा था कि जब हमारा नॉर्मल केस होता है उस केस में अगर मैं कोई पॉइंट पी लूं तो उस पॉइंट पे अगर मैं पार्ट डिफरेंस निकालना चाह रहा हूं तो मैं कैसे निकालता हूं? मैं देखता हूं भाई कि एस वन पी की कितना है और एस टू पी कितना है। अगर मैं पी पॉइंट को ऊपर लूंगा तो एस टू पी डिस्टेंस ज्यादा होगा,
एस वन पी कम होगा, ठीक है, अगर मैं पॉइंट टू पी कम हो जाएगा, बीच में लूंगा तो दोनों बराबर होंगे, तो यहाँ पे पार्ट डिफरेंस जीरो आता था, ठीक है, नॉर्मल केस में, क्योंकि इस केस में यहां तक कोई पार्ट डिफरेंस नहीं आता वेव में, क्योंकि कहा बनेगा इस केस में, ऊपर बनेगा या नीचे बनेगा, कहा बनाऊ, यहां बनाऊ कि यहां बनाऊ, एनीवन कैन गैस, कैन समवन, ऊपर आएगा या नीचे आएगा, चलो ये बता दो सेंटर पे किसका पाथ लेवल ज्यादा, टोटल अगर मैं पाथ निकालूं यहाँ पे एस वन पी ज्यादा है, एस टू पी का यहाँ पे सेम पाथ पे थे, सर वॉइस फिर से ब्रेक हो रही है, मैं कनेक्ट नहीं कर रहा फोन से, मेरे को कमेंट नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रही है, अच्छा आज तो मैं इससे क्लास ले रहा हूँ, आज क्यों ब्रेक हो रही है, बाकी लोग ब्रेक, आवाज आ रही है आप लोगों को, नहीं आ रही? Yes, आ रही है, कंटिन्यूस आ रही है आवाज या ब्रेक हो रही है अभी? कंटिन्यूस आ रही है या ब्रेक? आ रही है, ठीक है, सुन पा रहे हैं आप? Yes, ओके सुन पा, बताइए इस पॉइंट की जो सेंटर पॉइंट सेंटर लाइन पे कौन सी रे ने ज्यादा पाथ ट्रेवल किया है, फर्स्ट रे ने यहां तक पहुंच,
आइडिया ना आता है, दूरी ज्यादा है। बताओ, आ नहीं आ रहा तो बताओ, मैं बता। अब आ रहा है क्या आवाज आप लोगों को? सर अभी तो आ रही है। अच्छा, अब आ रही है ना। मैंने दोबारा रिकनेक्ट किया है, हो ठीक से है। लेट हो रही है, क्लियर स्क्रीन। ओके गुड, ठीक है। तो मैं ये पूछा था आपसे कि जब पी पॉइंट है, सेंट्रल लाइन पे है, इस पे दो रे आ रही है, एक वन आ रही है, टू आ रही है, और ये जाके ऐसे मिल रही है, तो मैं कह रहा था कि कौन सी रे ने ज्यादा पाथ ट्रेवल किया पी तक आने के लिए? वन सर या टू में फर्स्ट से किसने वाली ज्यादा पाथ फर्स्ट ने किया? तो सेंट्रल मैक्सिमम तो नहीं बनेगा यहाँ पे, पाथ डिफरेंस जीरो नहीं आएगा, राइट? ने। यस सर, तो पार्ट डिफरेंस जीरो कहां पे आएगा, पी से ऊपर या नीचे? ऊपर। ऊपर या ऊपर। तो इसका जो सेंटर मैक्सिमम बनेगा कहीं, यहां कहीं बनेगा, ठीक है? ये बात समझ में आई सबको? यस सर, ये बात समझ में आई सबको? यस सर, निकालना है कि पार्ट डिफरेंस आपका जो आएगा एक पॉइंट पे एस टू पी, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, एस
में ये डिफरेंस आया, और अकॉर्डिंगली आप इसको मैक्स मिनिमम की कट करोगे ना आ जाएगा, इस क्या बन जाएगा, ये एस टू पी माइनस एस वन पी प्लस डेल्टा एक्स इक्वल टू आइदर दिस और दिस, ठीक है। अब ये आपको पता है एस टू पी माइनस एस वन पी क्या आता है, आपको ये आता है डी वाई बाई डी आता है प्लस डेल्टा एक्स इक्वल टू, ये दोनों आ जाएंगे। यहां से आप वाई की पोजीशन निकाल सकते हो, क्लियर। हाँ या ना, सर निकाल सकते हो ना, ओके फाइंड आउट दैट ऑल्सो, ठीक है। अगले टॉपिक पे चलें, फिर डिफ्रैक्शन पढ़ें, यस सर तो आपके बोर्ड में काम आएगी कि जो इसकी स्लिट की जो विड्थ होती है ना, विड्थ, ये जो विड्थ होती है स्लिट की, तो जो विड्थ होती है, जो आपका एम्पलीट्यूड होता है एक्चुअली, वो विड्थ के स्क्वायर के प्रोपोर्शन होता है, जो आपका सॉरी एम्पलीट्यूड का स्क्वायर जो होता है वो विड्थ के प्रोपोर्शन होता है, ठीक है। तो अगर विड्थ दे दी आपको कि किसी स्लिट की विड्थ हमने इतनी कर दी है, तो मीन्स एम्पलीट्यूड का स्क्वायर हमने डबल कर दिया, मतलब विड्थ को डबल कर दिया तो एम्पलीट्यूड का स्क्वायर डबल कर दिया, और हम आपकी इंटेंसिटी जो होती है ए स्क्वायर के प्रोपोर्शन होती है, लेकिन ऑल्सो राइट की विड्थ जो होती है वो इंटेंसिटी के प्रोपोर्शन होती है, जितनी आप स्लिट की विड्थ रखोगे उतनी आपको इंटेंसिटी मिलेगी, क्लियर। यस सर क्लियर। ओके तो कल जो आप क्वेश्चन कर रहे थे ना कि इसको डबल कर दिया, एम्पलीट्यूड डबल कर दिया, इंटेंसिटी एक की आई है कि फोर आई है, ऐसे देने की बजाय वो विड्थ भी दे सकता है आपको कि विड्थ हमने ऐसे कर दी तो बताओ कितना आएगा, तो वो आप इससे यूज करके आपको थीटा फाइव वगैरह पता होगा, फेज डिफरेंस वगैरह उससे आप निकाल सकते हो, ठीक है। या फिर आपको वाई पता होगा तो वाई से पहले पाथ डिफरेंस निकाल लेंगे, फिर वहां से फेज डिफरेंस निकाल लेंगे, और फिर हमारा वहां से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप यंग डबल सीट के क्वेश्चन आप लोग कर लोगे, आप इसमें कोई डाउट नहीं है यंग डबल सीट में किसी को आगे, ठीक है, कोई डाउट है तो बता दो, नहीं तो आगे चलें। ओके नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है इसमें वो है डिफ्रेक्शन, या डिफ्रेक्शन बोलते हैं इसको। डिफ्रेक्शन क्या होता है, डिफ्रेक्शन होता है बेंडिंग ऑफ लाइट थ्रू द शार्प एजेस। जो आपकी लाइट होती है वो वेव की तरह बिहेव करती है, तो क्या होता है वो आपकी बेंड कर जाती है, तो शार्प एज मिलते हैं, तो वहां पे वो आपकी लाइट बेंड कर जाती है, तो बेंडिंग ऑफ लाइट को हम बोलते हैं डिफ्रेक्शन, ठीक है। मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, आपका लाइट सोर्स है और ये स्क्रीन है, तो आपकी लाइट जो है ऐसे जाके यहाँ पे पड़नी चाहिए थी, और यहाँ से जाती तो यहाँ पे पड़ती, तो मैक्सिमम इस एरिया में पड़ती है आपकी लाइट, लेकिन जब एक्चुअल ऑब्जर्वेशन होता है तो क्या होता है कि लाइट यहाँ से ना बेंड कर जाती है, तो वो कुछ और पार्ट तक यहाँ पहुंच जाती है, तो आपकी जो लाइट है वो ज्यादा एरिया में पहुंच जाती है, तो इसको हम बोलते हैं कि ये लाइट का डिफ्रेक्शन हो गया, लाइट बेंड कर गई, लाइट का डिफ्रेक्शन हो गया, लाइट जो है बेंड कर गई, तो डिफ्रेक्शन होता है। आप बोलोगे सर रियल लाइफ में क्यों नहीं होता ऐसा, तो रियल लाइफ में ऐसा इसलिए नहीं होता, रियल लाइफ में लाइट बेंड नहीं करती ना, तो वो इसलिए नहीं होता क्योंकि देखो रियल लाइफ में जैसे मान लो ये वॉल है, आप इस तरफ खड़े हो, आप इस तरफ खड़े हो और आपका फ्रेंड इस तरफ खड़ा है, आपको इससे कुछ बोलना है, ठीक है, और ये वॉल जो है केवल यहीं तक है, ऊपर खाली आसमान है, तो आप बोल सकते हो, सुन लेगा, अगर आप बोलोगे तो सुन लेगा ये, यस सर है ना।
लेकिन मान लो अगर मैं, मेरे पास टॉर्च है और मैं इसके फेस पे टॉर्च मारना चाहूँ तो क्या मार सकता हूँ ऐसी वॉल में, क्या मैं टॉर्च मार सकता हूँ उसके फेस पे? नहीं मार सकता ना मेरे टॉर्च यहाँ पे, क्यों? क्योंकि टॉर्च, क्योंकि लाइट यहाँ पे बैंड नहीं कर रही, ऐसा इसलिए हुआ कि कोई चीज बैंड तब करती है जब जो ये ऑब्स्टेकल है इसकी जो थिकनेस है कंपेरेबल हो उसकी वेवलेंथ से, जिसको बैंड होना है उसकी वेवलेंथ से कंपेरेबल हो तब वो बैंड करेगी, ठीक है? तो साउंड आपका जो है, साउंड की वेवलेंथ क्या है, साउंड की स्पीड जो होती है 300 होती है, अब फ्रीक्वेंसी जो, लेकिन मान लो लाइट है, लाइट की वेवलेंथ क्या होती है 6000 एंगस्ट्रॉम, 600 नैनोमीटर, ऐसे नैनोमीटर ऐसे होती है, बहुत कम होती है, दीवार है कुछ सेंटीमीटर की, तो ये जो वेवलेंथ है दिस इज वेरी वेरी लेस एज कंपेयर टू दिस थिकनेस, तो इसलिए ये बेंड नहीं कर पाती, ठीक है? लेकिन अगर आप बहुत शार्प एज बना दें, फिनोमेना दिखाती है वेव की तरह, इज इट करेक्ट, इज इट राइट, क्लियर हो गया सबको? क्यों बेंड करेगी लाइट यहाँ पे, क्यों नहीं करेगी और यहाँ पे क्यों करेगी, ये क्लियर हुआ? यस सर। ओके ठीक है, तो यहाँ पे लाइट हमारी बेंड कर जाती है, तो इसे हम बोलते हैं डिफ्रेक्शन फिनोमिना, ठीक है? तो यहाँ पे हम देखो क्या करते हैं, सिंगल स्लिट से डिफ्रेक्शन पढ़ते हैं, हमारा जो डिफ्रेक्शन है वो सिंगल स्लिट से है, तो हम क्या करते हैं कि एक हमारी सोर्स होता है वहां से लाइट आती है और वो डिफ्रैक्ट करती है, ठीक है? अब जो डिफ्रैक्ट करेगी, उसने कहा था कि आपके जो वेवलेट हैं सारे, उसके जो सारे पॉइंट हैं वो एक नया सोर्स की तरह बिहेव करते हैं और वहां से लाइट प्रोड्यूस होती है। जैसे मान लो यहाँ पे लाइट गिरी, लाइट का वेव फ्रंट आ गया, टकराया, इस पर कई सारे पॉइंट होंगे, जब यहाँ पे टकराएंगे तो कई सारे पॉइंट होंगे यहाँ पे, तो सारे के सारे पॉइंट क्या होंगे, नए वेव सोर्स की तरह बिहेव करेंगे, तो सबसे लाइट निकलेगी और वो जाके यहाँ पे इंटरफेयर करेगी ऑन द स्क्रीन। ये मैं एक स्लिट की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे एक ही स्लिट है, ठीक है? इनमें भी आपस में इंटरफेरेंस होगा डिफरेंट पॉइंट से, जो आपकी एक ही वेव फ्रंट के डिफरेंट पॉइंट से जो रह जाएंगी, ठीक है? इनका यहाँ पे इंटरफेरेंस होगा, इंटरफेरेंस होकर यहाँ पे मैक्सिमा या मिनिमा बन सकता है इस पॉइंट पे, ठीक है? अभी आप यंग डबल स्लिट को भूल जाओ, अभी बिल्कुल फ्रेश होते हो, है ना? तो इसका मैक्सिमम मिनिमा बन सकता है एक ही वेव फ्रंट का, एक ही स्लिट का मैक्सिमम मिनिमा बन सकता है यहाँ पे। अब यहाँ पे मैक्सिमम बनेगा या मिनिमम बनेगा डिपेंड करेगा कि इंटरफेरेंस किस टाइप का हो रहा है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है या मेरा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, ठीक है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। अब जो इंटरफेरेंस आपको कराना है, यहाँ पे कई सारे पॉइंट है, सब पॉइंट सोर्स की तरह बिहेव करेंगे और सबका इंटरफेरेंस होगा, तो आप सबको तो ऐड कर नहीं सकते, सबको आप ऐड करोगे तो बहुत सारी इक्वेशन बन जाएंगी, फिर तो ऐसे कुछ बन जाएगा कि भाई एक इक्वेशन बन गई ए कॉस थीटा, ए कॉस समथिंग बन गई मान लो ओमेगा टी प्लस थीटा वन, दूसरे पॉइंट से बन जाएगी प्लस थीटा टू प्लस थीटा थ्री, तो बहुत सारी इक्वेशन को आप ऐड ही नहीं कर सकते। ऐसे आपकी इस वेव फ्रंट पे करोड़ों पॉइंट होंगे, सबकी इक्वेशन तो आप ऐड नहीं कर सकते ना डायरेक्टली, या कर सकते हो? ये पॉसिबल नहीं है, ऐसे मान लो बहुत सारे आ गए तो ऐड नहीं कर सकते, ठीक है? तो इसको ऐड करने के लिए, इसको ऐड करने के लिए हम लोग एक टेक्निक यूज करते हैं, थोड़ा सा ट्रिक यूज करते हैं, हम क्या करते हैं, इतनी बात समझ में आ गई कि ऐड नहीं कर सकते डायरेक्ट? यस सर, समझ में आ गया। ओके, तो हम क्या करते हैं फिर, हम देखते हैं स्लिट के बीच का डिस्टेंस कितना है, ठीक है? स्लिट के बीच का डिस्टेंस कितना है, तो इस केस में स्लिट का डिस्टेंस ए मानते हैं, स्लिट के बीच का नहीं है ये, मैंने स्लिट की विड्थ एक तरह से, ये ए है, यहाँ पे एक ही स्लिट है ना, और हम देखते हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जो यहां से वेव जाएगी इस पॉइंट से और जो नीचे वाले पॉइंट से वेव जाएगी, इन दोनों में पार्ट डिफरेंस कितना आएगा, इन दोनों में पार्ट डिफरेंस कितना आएगा? दिस इज सपोज माई सेंट्रल लाइन,
ठीक है, तो पार्ट डिफरेंस कितना आएगा ये हमें देखना है। तो देखो यहाँ पे मैं फिर दोबारा से वही अप्रोक्सीमेशन वाला यूज कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेता हूँ, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेता हूँ। तो यहाँ पे जो पार्ट डिफरेंस आएगा मेरा वो कितना आएगा, वो इसके बराबर आएगा, इन दो वेव के बीच में, इन दोनों को पैरेलल मान सकता हूँ, इन दोनों रे को अप्रोक्सीमेटली पैरेलल मान सकता हूँ क्योंकि डिस्टेंस काफी ज्यादा होता है, ये वाला डिस्टेंस काफी ज्यादा होता है। आई कैन टेक दीज टू रेज पैरेलल, तो जो पार्ट डिफरेंस आएगा बेसिकली इन दो रे के बीच में आएगा, दिस इज माई पार्ट डिफरेंस। ठीक है, अब मान लीजिए कि ये एंगल हमारा थीटा है, इफ दिस एंगल इज थीटा, तो हमने कल ड्राइव करके देखा था ये एंगल हमारा थीटा आया था, तो अगर ये एंगल हमारा थीटा आएगा तो मेरा पार्ट डिफरेंस क्या आ जाएगा, ए की फॉर्म में पार्ट डिफरेंस क्या आएगा बताओ, ए की फॉर्म में क्या आएगा, ये परपेंडिकुलर है यहाँ पे और ये ए है, पार्ट डिफरेंस डेल्टा एक्स विल बी हाउ मच बताओ, जल्दी कितना आएगा, अगर राइट एंगल ट्रायंगल है ना, ये राइट एंगल ट्रायंगल में ये ए है और ये एक्स है, हाइपोटेन्यूस ए है, ये एक्स है, ये थीटा है, कितना आएगा पार्ट डिफरेंस डेल्टा एक्स, ए साइन थीटा, ए साइन थीटा, करेक्ट, ए साइन थीटा आएगा, ए साइन थीटा आएगा। ठीक है, अब देखो अगर ए साइन थीटा आपका लैम्डा हुआ, ए साइन थीटा अगर लैम्डा हुआ सपोज, तो मैंने जो पॉइंट हमारा वन है और टू है उसको मैं लगभग ऐसे बना सकता हूँ, अगर मैं वेव के रूप में देखूँ तो वन वाला इसको रिप्रेजेंट कर रहा है पॉइंट को, टू वाला इसको कर रहा है, सही लैम्डा का पार्ट डिफरेंस करेक्ट है बताओ, करेक्ट है नहीं है, ए साइन थीटा अगर लैम्डा है तो ये ऐसा रिप्रेजेंट करेगा, मैंने इसको पॉइंट ए को मानो, ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है वेव को और इस पॉइंट को और टू को इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इज इट ओके, यस सर, बोलो भाई फटाफट बोलो, ओके सर, ओके। तो देखो हमें प्रॉब्लम क्या आ रही थी, हमें प्रॉब्लम ये आ रही थी कि हमें डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट का ऐड करना था, हमें डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स को ऐड करना था, उनका यहाँ पर रिजल्टेंट बताना था कितना होगा, तो हम कर नहीं पा रहे थे यहाँ पे, तो हम क्या करते हैं, अब देखो इसमें अगर मान लो ये लैम्डा का डिफरेंस आ रहा है तो सबसे पहली वेव ये है और सबसे लास्ट वेव ये है ना, मतलब सबसे पहला पॉइंट ये है जो वेव प्रोड्यूस कर रहा है, सबसे लास्ट पॉइंट ये है, इसके बीच में बाकी पॉइंट होंगे सारे, तो बाकी सारे पॉइंट इससे रिप्रेजेंट होंगे, कोई इससे होगा, कोई इससे होगा, कोई इससे, कोई इससे, कोई इससे, कोई इससे, ठीक है। अब हम इन पॉइंट को पेयर में लेते हैं, इन पॉइंट को क्या करते हैं, पेयर में लेते हैं, तो देखो अगर मैं इस पॉइंट को और इस पॉइंट को कंसीडर करूं, इस पॉइंट को और इन पॉइंट को कंसीडर करूं, तो ये दोनों आपस में जब वेव पहुंचेंगी यहाँ पे तो कैंसिल कर जाएंगी, क्योंकि प्लस वाई है, ये माइनस वाई है और दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, दे विल कैंसिल आउट, है ना, सिमिलरली ये कैंसिल आउट कर जाएंगे एंड सिमिलरली ये इससे कैंसिल कर जाएगा और सिमिलरली ये इससे कैंसिल कर जाएगा और ये वाला इससे कर जाएगा, तो ये पूरी वेव इस पूरी वेव को कैंसिल कर जाएगी, इज इट क्लियर, यस सर, कैंसिल कर जाएगी, तो यहाँ पे क्या बनेगा फिर, मिनिमा या मैक्सिमा, अगर ये पूरी वेव कैंसिल कर गई, मिनिमा, तो इस केस में ये बनेगा मिनिमा, यानी अगर आपका साइन थीटा लैम्डा बाई ए के बराबर है तो यू विल गेट अ मिनिमा, ऐसी मान लो अगर एक टू लैम्डा आता तो टू लैम्डा केस में क्या होता, मान लो ए साइन थीटा इक्वल टू टू लैम्डा आता तब भी मिनिमा बनता, तब की दो वेव बन जाती, ये वाला पोर्शन इसको कैंसिल कर जाता और ये वाला पोर्शन इसको कैंसिल कर जाता, इस केस में मिनिमा आएगा,
इन जनरल वी कैन राइट व्हेन यू आर साइन थीटा, यहां से क्या रहा है साइन थीटा इक्वल टू लैम्डा बाय ए आ जाएगा. तो इन जनरल हम क्या लिख सकते हैं, इन जनरल वी कैन राइट, यू कैन राइट इवन साइन थीटा या ए साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा यू विल गेट मिनिमा. ठीक है, यहां पे उल्टा आ रहा है. यंग डबल स्लिट में एन लैम्डा के केस में मैक्सिमा आता था, यहां पे एन लैम्डा के केस में मिनिमा आ रहा है. ठीक है, क्यों आ रहा है मैंने आपको बता दिया क्यों आ रहा है. ठीक है, मैंने किया है अभी. तो हमें कह रहे हैं कि इस पार्ट और इस पार्ट के बीच में जो वेव यहां पहुंच रही है, जो यहां से पहुंच रही है यहां से पहुंच रही है, पार्ट डिफरेंस कितने का है, लैम्डा का. ठीक है, तो इससे कोई मैं अगर पॉइंट थोड़ा सा नीचे ले लूं, सॉरी इस पार्ट और इस पार्ट में लैम्डा का है, तो इस पार्ट और इस पार्ट में लैम्डा बाय टू का है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल कर जाएंगे. ऐसे में अगर इससे थोड़ा सा नीचे एक पार्ट लूं और इससे भी थोड़ा सा नीचे एक पार्ट लूं, तो वो दोनों जब यहां पे पहुंचेंगे उनका भी पार्ट डिफरेंस जो होगा वो ऐसा होगा कि आपस में ये वाले पॉइंट भी कैंसिल कर जाएंगे, एंड सिमिलरली सो ऑन, सारे पॉइंट इन सारे पॉइंटों से कैंसिल कर जाएंगे. हेंस हियर यू विल गेट अ मिनिमा, यू विल गेट अ मिनिमा. दिस इज द केस व्हेन योर दिस थिंग इज ए साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा, सो यू विल गेट अ मिनिमा. क्लियर? यस सर, क्लियर. ओके, अब देखिए मान लीजिए कि ये तो मिनिमम कंडीशन है आपकी, है ना, ये ए साइन थीटा आ रहा है आपका, तो यहाँ यूजुअली हम थीटा के टर्म में लिखेंगे, या अगर आप साइन थीटा को वाई 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 की फॉर्म में लिखना चाहो तो साइन थीटा को टेन थीटा लिख सकते हो, टेन थीटा को वाई बाय डी कर सकते हो, है ना, वाई बाय डी आ जाएगा टेन थीटा का, ये वाई है, मान लो ये डी है, तो वो आप कर लोगे, उसमें कोई ज्यादा बताने वाली बात नहीं है. अब देखो मान लो ये ऐसा ना होता, ये एन लैम्डा वाला केस ना होता, अगर मान लो हमारा होता सपोज इफ यू से दैट कि ए साइन थीटा इक्वल टू थ्री लैम्डा बाय टू. ठीक है, ए साइन थीटा इक्वल टू थ्री लैम्डा बाय टू, इसकी जो स्टार्टिंग है वो थ्री लैम्डा बाय टू से ही होगी, लैम्डा बाय टू से कुछ नहीं होगा, थ्री लैम्डा बाय टू से होगी, देखते हैं क्या होगा, है ना. तो क्या होगा ये वेव, थ्री लैम्डा बाय टू का मतलब एक लैम्डा और हाफ लैम्डा, इसमें ये आपस में कैंसिल कर जाएंगे और ये बचेगा आपका पूरा, ये कैंसिल नहीं करेगा आपस में, ये कैंसिल नहीं करेगा. ऐसे ही मान लो अगर ये हो गया फाइव लैम्डा बाय टू, इस केस में क्या होगा, ये कैंसिल, ये कैंसिल और ये बचेगा आपका, है ना. तो इन सारे केसेस में क्या हो रहा है, आपकी वेव इन दोनों इन सब का क्या होगा, फिर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा आपस में, है ना, जिसमें कोई नेगेटिव वाला पार्ट नहीं है. तो यू विल गेट अ, यू विल गेट अ मैक्सिमा, तो यू विल गेट अ मैक्सिमा इन ऑल दिस केसेस व्हेन देयर योर पार्ट डिफरेंस कम्स थ्री लैम्डा फाइव लैम्डा और समथिंग, यू विल गेट अ मैक्सिमा इन दिस केसेस. इसको हम बोलेंगे फर्स्ट मैक्सिमा, फर्स्ट मैक्सिमा, इनफैक्ट वी से फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, क्योंकि आपका सेंटर पे जो मैक्सिमम बनेगा वो प्राइमरी मैक्सिमम बोलते हैं, तो इसको फिर हम बोलते हैं फर्स्ट सेकेंड सेकेंडरी मैक्सिमा. इस केस को हम बोलते हैं सेकेंड सेकेंडरी मैक्सिमा. और सेवन इसको बोलेंगे थर्ड सेकेंडरी मैक्सिमा एंड सो ऑन एंड सो ऑन. ठीक है, ऐसे ही हम ऊपर वाले को हम बोल सकते हैं मिनिमा, फर्स्ट मिनिमा, सेकेंड मिनिमा, थर्ड मिनिमा, है ना, फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा और सेकेंड सेकेंडरी मिनिमा, ऐसे करके हम इनको बोल सकते हैं. दिस इज फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा.
first secondary minima, and similarly second secondary minima. ठीक है, तो इसमें ऐसे हमारे मिनिमम मैक्सिमम होते हैं। तो इस केस में जो है क्या है, बस कंडीशन आपकी रिवर्स है, जो आपका मैक्सिमा था वो मिनिमा बन गया और जो मिनिमा था वो क्या बन गया, मैक्सिमा। ये बात समझ में आई? सर आपने यहाँ पे सेकेंडरी क्यों लिखा है? सेकेंडरी एक्चुअली जो माने हमारा जो बीच वाला बनता है मैक्सिमम, बीच वाला सेंट्रल मैक्सिमम बनता है उसी को प्राइमरी बोलते हैं, बाकी यहाँ पे सब सेकेंडरी होते हैं, चाहे वो मिनिमम बने या मैक्सिमम बने, उनको सेकेंडरी बोलते हैं। ओके सर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये तो हमारा बन गया, हमारी पोजीशन आ गई सबकी कि हमारा जो साइन थीटा आएगा वो कितना आएगा या फिर वाई कितना आएगा वो आप निकाल सकते हो। लेकिन अगर मैं इंटेंसिटी की बात करूं यहाँ पे कि इंटेंसिटी कितनी आएगी, देखो यहाँ पे हर मैक्सिमा की इंटेंसिटी डिफरेंट आएगी, हर मैक्सिमा की इंटेंसिटी डिफरेंट आएगी। क्यों आएगी समझो, है ना, यहाँ पे जब आप डिफरेंट इंटेंसिटी निकालोगे तो आपका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। इंटेंसिटी का ग्राफ बनता है ना, यहाँ पे अगर आप ग्राफ बनोगे कुछ ऐसा बनेगा। ये सेंट्रल वाला पार्ट है मान लो, तो यहाँ की इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होगी, इस वाले की थोड़ा कम होगी, इस वाले की और कम हो जाएगी, इस वाले की और कम, ऐसे करते करते धीरे 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 खत्म ही हो जाएगा पूरा, ऐसे यहाँ इस साइड को होगा। इसका साइज थोड़ा कम कर लेते हैं, इससे ठीक है इंटेंसिटी कम होती जाएगी। कैसे होती जाएगी अभी समझते हैं, कैसे होती जाएगी इसको अभी समझते हैं। ठीक है, ये आपका जो है सेंट्रल मैक्सिमा है, इसकी ब्राइटनेस सबसे ज्यादा है, दिस इज फर्स्ट सेंट्रल मैक्सिमा और दिस आर योर फर्स्ट मिनिमम सेकेंडरी बोलते हैं इसको, ये आपका फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा है। ठीक है, सो ऑन ऐसे करते करते ये आपका फर्स्ट सेकेंड सेकेंडरी मैक्सिमा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट जो इस साइड को अगर मैं देखूं या उस साइड देख लो सेम बात है, यहां पे हमारा पार्ट डिफरेंस कितना होगा, डेल्टा एक्स जो फर्स्ट मिनिमा होता है उसमें पार्ट डिफरेंस कितना होता है, फर्स्ट मिनिमा में लैम्डा, सेकंड में टू लैम्डा, एंड यहां पे पार्ट डिफरेंस कितना होगा, थ्री लैम्डा। ठीक है, ये बात क्लियर है सबको? यस सर। ओके, तो यहाँ पे आप ऐसे निकाल सकते हो कि पार्ट डिफरेंस आपका ये होगा, तो ऐसे आप वैल्यू निकाल सकते हो। आप देखो मैं बात कर रहा था कि इंटेंसिटी कम क्यों होती जाती है मेरी, इसका रीजन क्या होता है, इसका रीजन ये होता है जब आपने फर्स्ट मैक्सिमा की बात करी, फर्स्ट मैक्सिमा ये वाला, तो पार्ट डिफरेंस कितना लिया आपने, थ्री लैम्डा बाई टू, और यहाँ पे फाइव लैम्डा बाई टू लिया था, ऐसे करा था आपने, तो थ्री लैम्डा बाई टू जो आप ले रहे हो तो आपका मतलब क्या है कि इस और इस पोर्शन के बीच में जो वेव आ रही है पार्ट डिफरेंस कितना है, थ्री लैम्डा बाय टू, थ्री लैम्डा बाय टू। तो इस पूरी स्लिट को मैं तीन पार्ट में डिवाइड कर सकता हूं, ऐसे तीन इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं, मेरा पार्ट डिफरेंस इसकी और इसके बीच में कितना था, थ्री लैम्डा बाय टू, यानी ये वाला केस था, मैंने तीन इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो ऊपर वाला पोर्शन इसको रिप्रेजेंट करेगा मान लो, सेकंड पोर्शन इसको रिप्रेजेंट करेगा, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे आपस में, तो बचेगा क्या, केवल इतने पोर्शन की लाइट बचेगी आपकी,
कितने पोर्शन की लाइट बचेगी, विच इज पूरी विड्थ का 1/3, जो पूरी विड्थ का कितना है 1/3, उतनी लाइट बचेगी। क्लियर है ये? सर हमने जो डिवाइड किया स्लिट को, ये इमेजिनरी है ना? इमेजिनरी हमने सोच लिया कि भाई एसएसआई में पार्ट डिफरेंस के ज्यादा सोच लिया, तीन पार्ट बदल में सोचूं तो क्या होगा, इमेजिनरी है। ठीक है, यस सर। ओके, ऐसे ही मैं अगर ये वाला केस देखूं सेकंड मैक्स सेकेंडरी मैक्सिमा का, तो यहाँ पे पार्ट डिफरेंस 5λ/2 था, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, स्लिट को पांच पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। 5λ/2 मतलब ऐसा केस हो गया ये, ऐसा तो पांच पार्ट हो जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, उसको 1, 2, 3, 4 और 5 ऐसे करके कुछ बनेगा ये। पांच पार्ट में डिवाइड करूंगा, उसमें से प्लस माइनस कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल, एक बचेगा, यानी ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, केवल ये बचा, एक पार्ट बचा आउट ऑफ 5, विच इज हाउ मच, 20% ऑफ दिस। यहाँ पे कितना बचा था, 1/3 बचा था, यहाँ पे 1/5 बच रहा है, तो यहाँ 20% पार्ट बच रहा है, यहाँ पे 33% बचा था। तो अब जो लाइट आपकी यहाँ पे सुपर इम्पोज करेगी, केवल इसकी करेगी, इसकी करेगी, तो इसकी लाइट सुपर इम्पोज यहाँ पे करेगी, तो इंटेंसिटी उसकी क्या होगी, इसके मुकाबले कम होगी। ये बात समझ में आ रही है, कम होगी इंटेंसिटी? यस सर। तो इसलिए यहाँ पे मैंने इसका जो पीक है इसके पीक से नीचे बनाया है। सिमिलरली जब आप 7 पार्ट में डिवाइड कर दोगे तो 7 पार्ट में और कम हो जाएगी, एंड सो ऑन। तो इसमें जो क्या होगा, आपकी इंटेंसिटी विल कीप ऑन डिक्रीजिंग, इंटेंसिटी विल कीप ऑन डिक्रीजिंग। इज इट क्लियर? क्लियर, यस सर। ओके, इसमें अगर आप विड्थ निकालोगे, तो किसी की विड्थ अगर आप निकालना चाहोगे तो आप एंगल से निकाल सकते हो विड्थ। मान लो इसकी मैं विड्थ निकालना चाहूँ, इस वाले सेकेंडरी मैक्सिमा की, सॉरी सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ कितनी होगी, या इस मैक्सिमा की विड्थ कितनी होगी, तो हमें जो है इसमें वाई पता है, तो वाई से फिर हम विड्थ वगैरह निकाल सकते हैं। पर आपने क्वेश्चन किए थे ना वाई वाले, अगर आपको थीटा पता है तो टेन थीटा इक्वल टू वाई बाई डी हो जाएगा, वहाँ से वाई निकालेंगे। अभी क्वेश्चन में देखेंगे, तो वहाँ से वी कैन फाइंड द विड्थ ऑफ द मैक्सिमा, वी कैन फाइंड द विड्थ ऑफ द मैक्सिमा। ठीक है, और यहाँ पे जो आपके मैक्सिमा होते हैं, एक्चुअली देखो यंग डबल स्लिट और इसमें क्या फर्क है, यंग डबल स्लिट में जो मैक्सिमा बनते हैं उनकी सबकी इंटेंसिटी बराबर होती है और सबकी विड्थ वगैरह बराबर होती है ना? यंग डबल स्लिट में सारे आपके बराबर होते हैं ना, इंटेंसिटी सबकी बराबर होती है, विड्थ भी बराबर होती है। यहाँ पे इंटेंसिटी भी डिफरेंट है, इंटेंसिटी डिफरेंट है आपकी, और विड्थ भी आपकी सेंटर वाले की ज्यादा आएगी। ठीक है, अभी हम निकालेंगे क्वेश्चन में, तो देखेंगे कि विड्थ हमारी कितनी कितनी आएगी। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर? यस सर, क्लियर। ओके, तो यहाँ पे हमारे जो अलग अलग ये बन रहे हैं, ब्राइट और फ्रिंज और डार्क फ्रिंज, सबकी विड्थ और इंटेंसिटी डिफरेंट है, यहाँ पे फर्क है। दूसरा, जब पेपर में अगर क्वेश्चन आएगा, कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये डिफ्रेक्शन का क्वेश्चन आ गया या यंग डबल स्लिट का आ गया, तो ये ध्यान रखना कि यंग डबल स्लिट के क्वेश्चन में लिखा होगा कि डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट इज, वहां पे डी दिया होगा, स्मॉल डी, मैंने लिखा नहीं होगा लेकिन ऐसे लिखा होगा डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट, तो ये वाईडीएससी का क्वेश्चन है। बोला विड्थ ऑफ द स्लिट इज, तो फिर वो विड्थ तो हम किसमें कंसिडर करते हैं, इसमें करते हैं यूजुअली, तो उसने बोला विड्थ ऑफ द स्लिट इज, तो ये यूजुअली जो क्वेश्चन होगा ये आपका डिफ्रेक्शन का होगा, आपको पता चल जाएगा क्वेश्चन पढ़ के बाकी। और अगर बोल दिया कि डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट इज, तो ये क्वेश्चन वाईडीएससी का है। अगर एक ही स्लिट दी हुई है तो क्वेश्चन डिफ्रेक्शन का है, दो स्लिट दी हुई है तो वाईडीएससी का है। ठीक है, तो ये दोनों में डिफरेंस है। अब आप कहोगे सर ये कुछ, ये जो आप यहाँ पे हो रहा है एक स्लिट से, क्या वाईडीएससी में नहीं हो रहा होगा? ये वाईडीएससी में तो दो दो स्लिट हैं, तो अब जो स्लिट इंडिविजुअल जो स्लिट होती हैं, क्या वहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा होगा डिफ्रेक्शन? तो हाँ, वहाँ भी हो रहा होगा, लेकिन जब हमने वाईडीएससी कंसिडर किया था तो हमने वाईडीएससी में डिफ्रेक्शन कंसिडर नहीं किया था, वाईडीएससी में डिफ्रेक्शन कंसिडर नहीं किया था, हालांकि वहाँ भी डिफ्रेक्शन होगा, वहाँ भी डिफ्रेक्शन होगा। राइट, क्लियर सबको?
यस सर। ये बात क्लियर हुई? ओके, तो वहां पे भी होगा, ऐसा नहीं है वहां पे नहीं होगा, लेकिन एक बार में एक ही चीज पढ़ रहे हैं हम, मिक्स नहीं कर रहे दोनों को, YDSC को अलग रख रहे हैं हम लोग और डिफ्रेक्शन को अलग रख रहे हैं, तो इसलिए हम इसको अलग अलग ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलो अब इसके कुछ क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन इसके क्या आते हैं, वहां से आपको आइडिया हो जाएगा कैसे कैसे सॉल्व करना होता है। तो ध्यान रखना जो पोजीशन है ना, मैक्सिमा की पोजीशन, इससे आप सारे क्वेश्चन आप किससे निकल जाएंगे, ये लैम्डा टू लैम्डा, मिनिमा की जो पोजीशन है सॉरी, उसके बीच में मैक्सिमा होगा, तो लैम्डा टू लैम्डा के बीच में क्या आएगा, 3 लैम्डा बाय 2 आएगा, यहाँ पे इतना होगा, ये किसके बराबर है, ए साइन थीटा। तो बस सारे क्वेश्चन हमारे इसके बेस पे ही चलेंगे अब आगे, ए साइन थीटा इक्वल टू कितना है, ठीक है। देखो जैसे क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ अभी, एक क्वेश्चन है, कह रहा है कि स्लिट ऑफ विड्थ ए, इसकी विड्थ क्या है, स्लिट की विड्थ ए, जहां पे ए आया वहां समझ लो कि ये बात डिफ्रेक्शन की चल रही है, यूजुअली ए वहीं पे यूज करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो लाइट यूज की है आपने वो रेड लाइट है, उसका वेवलेंथ 5 एंगस्ट्रॉम है, और ये कह रहे जो फर्स्ट मिनिमा आता है वो आता है 30 डिग्री पे, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री पे, तो बोल रहे हैं वैल्यू ऑफ ए बताओ कितनी होगी, वैल्यू ऑफ ए इज हाउ मच, ये क्वेश्चन है, बताओ कैसे होगा, ये क्या आएगा इसका आंसर, सर 1 माइक्रोमीटर 1 पॉइंट समथिंग आ रहा होगा, 1st मिनिमा है ना, देखो कितना आ रहा है, ऐसे बनेगा ना ये 1st मिनिमा, यानी कि ये वाली बात कर रहा है, यानी यहाँ पर लैम्डा का होता है आपका पार्ट डिफरेंस, ए साइन थीटा इक्वल टू लैम्डा होना चाहिए, है ना, लैम्डा टू लैम्डा ऐसे होते हैं ना, तो ए आपका जो है निकालना है आपको, साइन थीटा 1 है, लैम्डा 5000 एंगस्ट्रॉम है, इसमें क्या दिया मैं, ओह 5000 लिखा यार ये गलत है, सॉरी दिस इज 6500 एंगस्ट्रॉम, तो यहाँ से एक ही वैल्यू बतानी है 6500, ठीक है, कितना आएगा, देखो कितना वैल्यू आ रहा है, अब 1.3 माइक्रोमीटर हाँ
1.3 माइक्रोन इज द आंसर. 10^-10 हो जाएगा ना, बट 1.3 माइक्रोन. ठीक है, आगे सबको तो सिंपल था. यस सर. मैं तो सिंपल था ना, ए साइन थीटा को सीधा इक्वेट करना था मिनिमा के लिए. चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं. अगला क्वेश्चन है, इसमें स्लिट की विड्थ है 0.20 मिलीमीटर, लाइट की वेवलेंथ है 500 नैनोमीटर, 500. ठीक है, इस बार 500 नैनोमीटर और डिस्टेंस है स्क्रीन का 80 सेंटीमीटर. 80 सेंटीमीटर. क्वेश्चन है विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा. विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा कितनी होगी, कितनी होगी मिलीमीटर में बतानी है आपको, कितने मिलीमीटर होगी. सर 4000 माइक्रोमीटर. नहीं नहीं इतना कम तो नहीं आएगा, एमएम में आना है आंसर. 4000 माइक्रोमीटर. एमएम में कितना आ रहा है सर? एमएम में आ जाएगा 4 मिलीमीटर. यस. फोर मिलीमीटर इज द आंसर. बाकी लोगों का निकला? एक साइड का वाई निकाल लो इसमें, बस उसको डबल करना है. फिर सेंटर मैक्सिमम की पूछ रहे हैं, सेंटर निकल गया. इधर का जो होगा पार्ट डिफरेंस. ओके गुड गुड. तो यहाँ पे जो आपका पार्ट डिफरेंस आ रहा था वो लैम्डा का आ रहा था, तो आपका यहाँ पे जो वैल्यू है ए साइन थीटा इक्वल टू लैम्डा आ जाएगा, और वहां से आपका साइन थीटा को फिर टेन थीटा करके वाई बाई डी कर लेंगे. तो ये लैम्डा आ गया, तो वाई आपका आ गया लैम्डा डी बाई ए.
तो ये एक वाई आ गया, एक साइड का वाई, और सेंटर में एक्स टोटल विड्थ निकालनी है तो उसे डबल कर लो, उसको डबल कर लोगे तो विड्थ आ जाएगी आपकी, तो विड्थ आपकी आ जाएगी ट्वाइस ऑफ लैम्डा डी बाई ए। आप इसकी वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, ये 500 क्या था नैनोमीटर का लिखा नहीं मैंने, नैनोमीटर होगा, इंटू डी आपका 80 सेंटीमीटर था तो 0.8 आ जाएगा, और ए आपका है 0.2 × 10⁻³ मीटर में। इसको सॉल्व कर लेंगे आ जाएगा यहाँ से, ठीक है निकाल लोगे सब लोग। निकाल लेंगे, बाकी लोगों को समझ में आ रहा है कैसे निकालना है? यस सर निकाल निकाल लेंगे। ओके हमने समझ में आनी चाहिए चीजें, बाकी तो आप सॉल्व कर ही लोगे, क्लास के बाद भी कर लोगे, समझ में आना चाहिए ऐसा कर क्यों रहे हैं ये, क्या करना है क्वेश्चन में। अच्छा जी एक राइट, प्लेन वेव फ्रंट ऑफ लैम्डा इक्वल टू 6 × 10⁻⁷ फॉल ऑन अ स्लिट ऑफ विड्थ 0.4 मिलीमीटर, अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 0.8 मीटर इज प्लेस्ड बिहाइंड द स्लिट टू फोकस द लाइट ऑन द स्क्रीन। एक्चुअली लेंस क्यों रखते हैं यहाँ पे, जो आपकी लाइट यहाँ पे आती है ना, इनको मान लो रे बहुत वैसे चली गई, सपोज मान लो ज्यादा बेंट नहीं हुई, यहाँ पे कम बेंट होते हैं बहुत, तो जाके बहुत दूर जाके मिलेंगे आपको, स्क्रीन बहुत दूर रखनी पड़ेगी है ना, तो स्क्रीन को जाके दूर ना रखना पड़ेगा, अगर क्या करते हो लेंस यूज कर लेते हो, तो लेंस क्या करता है उसे लाके यहाँ पे किसी पॉइंट पे कन्वर्ट कर देता है लाइटों को, ठीक है। तो लेंस आप बिल्कुल यहाँ पे रखते हैं, तो जो लेंस की फोकल लेंथ होती है वहां पे वो कन्वर्ट करता है, तो यू कैन से दिस फोकल लेंथ इज नथिंग बट डी, ठीक है। ये फोकल लेंथ जो आपकी है वो क्या है, वो डी के बराबर ही है, इसको डी मान सकते हो। अगर आप फोकल लेंथ तो 0.8 मीटर इज प्लेस्ड बिहाइंड द स्लिट टू फोकस द लाइट ऑन द स्क्रीन, ठीक है। वट इज द लीनियर डायमीटर ऑफ सेकेंड मैक्सिमा, वट इज द लीनियर डायमीटर ऑफ सेकेंड मैक्सिमा, सोचो से क्या बोल रहे हैं, लीनियर डायमीटर ऑफ सेकेंड मैक्सिमा क्या होगा, मिलीमीटर में आंसर आएगा इसका भी।
सर 1.8 मिलीमीटर। इसमें जो आप पूछ रहे हो ना टू एंगुलर पॉइंट डायमीटर, फोर एंगुलर डायमीटर एक्चुअली आप निकाल रहे होगे ना। सर कहने का मतलब पता क्या है यहाँ पे? सर कहने का मतलब ये है कि सेकेंड मैक्सिमा ये होगा आपका, सेकेंड मैक्सिमा जो होगा इसका एंगुलर डायमीटर मतलब ये सेकेंड मैक्सिमा है, ये भी इसके हिसाब से ये भी सेकेंड मैक्सिमा और ये सब ये भी सेकेंड मैक्सिमा है। तो एंगुलर डायमीटर मतलब ये बोलना चाह रहा है वो, ये वैल्यू कितनी होगी। क्योंकि यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो दिए हुए आपको 6 mm, 9 mm, 1 mm और 2 mm, सॉरी 6 mm, सर 3 mm, 9 mm और 12 mm। यस ये है आपके ऑप्शन। तो एंगुलर डायमीटर की जो बात कर रहे हैं सेकेंडरी की, तो सेकेंड की तो ये कर रहा होगा मेरे ख्याल से। देखो उससे क्या पूछे, कोई डाउट नहीं कुछ? सर, क्वेश्चन में सेकंड मैक्सिमा लिखा हुआ है, तो हम सेंट्रल मैक्सिमा को फर्स्ट मैक्सिमा नहीं कंसिडर करेंगे? नहीं, इसको फर्स्ट अच्छा नहीं तो करते, फर्स्ट यहां से करते हैं। ओके सर। देखो क्या पूछ रहे चल रहे हो एक्चुअली। ये 5 λ/2 हुआ है पार्ट डिफरेंट, इससे देखो क्या ये पूछना चाह रहा है मेरे ख्याल से। तो सर बी ऑप्शन। 3 mm, एक मिनट चेक कर लेता हूँ। यस सर। थर्टीन का क्या है डायमीटर पूछा है आपने? रेडियस निकाला डायमीटर, मैंने डबल करूंगा ना इसको, यस आपने सर, वाई डायमीटर 6 हो जाएगा। 6 आएगा ना, ये वाई निकाला ना आपने, तो 6 आएगा सर। ठीक है, तो ये डी यहाँ चला गया, 2D यहाँ आ गया है ना, तो यहाँ से वाई निकाला आपने कितना आया, 3 mm आया है। तो यस सर। आपका जो डाय ओके तो डायमीटर आपका हो जाएगा 2 × y यानी कि 6 mm। ठीक है, क्लियर हुआ? बाकी लोगों का निकला? निकला बाकी लोगों का? यस सर। अच्छा, तो इसमें ये चीज ध्यान रखना कि कहाँ पे क्या पूछ रहे हैं। ठीक है, और दूसरा मैंने आपको यहाँ पे मैक्सिमा लिखवाए थे, मैंने क्या लिखा था, मैंने कहा था फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, सेकेंड सेकेंडरी मैक्सिमा। तो जो मैक्सिमा काउंट करोगे फर्स्ट से करोगे, ठीक है। इनफैक्ट जब आप वहां पे कर रहे थे NSSH एक्सपेरिमेंट में भी, तो वहां पे भी आप फर्स्ट मैक्सिमा ऊपर को अलग लिख रहे थे ना, बीच वाला सेंटर मैक्सिमा होता है, तो ध्यान रखना चीजों को, इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन है फाइंड एंगुलर विड्थ ऑफ सेंटर मैक्सिमा। एंगुलर विड्थ इन रेडियन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा।
सेंट्रल मैक्सिमम, और यहाँ पे जो है आपका लैम्डा है 6000 एंगस्ट्रॉम, एंड ए है 12 × 10⁻⁶ सेंटीमीटर। तो आपको बताना है एंगुलर विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा, यानी कि आपको बताना है ये थीटा कितना होगा, इसको बोलेंगे इसकी एंगुलर विड्थ। ये थीटा कितना होगा, सर इसके ऑप्शंस क्या क्या हैं? क्या करोगे ऑप्शन ऐसे बताओ, रेडियन बताना है सर, मेरा तो 10 आ रहा है। 10 रेडियन जी सर, 10 रेडियन तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो पाई रेडियन कितना होता है, 360 डिग्री, पाई रेडियन 180 डिग्री होता है, इतना बड़ा थोड़ी आ जाएगा, 180 डिग्री तो पूरा ही भर जाएगा, ये यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा पूरा 180 डिग्री। कुछ गलती की होगी, देखो सेंटर मैक्सिमा एंगुलर विड्थ इसका क्या करा, कैसे निकाला आपने सर? इसमें वही थीटा जो होता है वो आर्क और अपॉन रेडियस होता है, तो सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ तो हमें पता है, और हम रेडियस को डी, कैपिटल डी के बराबर ले सकते हैं। ठीक है, क्या किया सर? फिर वैल्यूज पुट कर दिए डी की वैल्यू दी हुई यहाँ पे, डी की वैल्यू दी हुई, वाई कितना आएगा हमारा यहाँ पे, जो है हमारा डी साइन थीटा इक्वल टू लैम्डा होगा, उससे वाई आएगा हमारा। तो डी वाई सर, अभी हमने जो सेंट्रल मैक्सिमा की वैल्यू निकाली थी वो थी 2 λ/d/a। अच्छा, वो पुट किया आपने, ठीक है यहाँ से, हाँ वो आ जाएगी 2y करोगे तो 2 λ/d/a आ जाएगा, उसको यहाँ पुट कर दो तो ये पूरा आ गया आपका 2 λ/d/a आ गया, डिवाइड बाय कैपिटल डी, इससे ये कैंसिल हो गया हमारा, तो 2 λ/a आ गया यहाँ से ना, 2 λ/a वैल्यू कितनी आ रही है, 2 × 6000 × 10⁻¹, ये मीटर में है, 12 × 10⁻¹ सेंटीमीटर में है, तो -2 और करना पड़ेगा, अब सॉल्व करोगे कितना है, 6 × 2 = 8, और ऊपर कितनी आ रही है 7, 6 × 12 = 12, 10 आ रहा है। अच्छा, 10 रेडियन आ रहा है यहाँ से। Yes, okay, इसमें हाँ ठीक है, यहाँ पे कितने 10⁻⁵ है, ठीक है तो 5 है, 10⁻⁵ है, मैंने घर तक 6 नहीं है 5 है ये, ठीक है सही कर लो। इसमें जो -5 cm, तो -5 cm अब कितना रहा है, 5 × 2 = 7, ऊपर वाला भी 7, अब आ जाएगा ठीक है, 1 रेडियन आएगा, -5 है वो, राइट। Yes, ठीक है, यानी इससे हमारा ये भी पता चल रहा है, अगर आप देखोगे तो इससे ये पता चल रहा है, यानी विड्थ जो है स्लिट की एक उसकी फिक्स है वैल्यू, मैंने उससे ज्यादा अगर विड्थ होगी तो फिर गड़बड़ हो जाएगा ना, पूरे आपके स्क्रीन पे सेंटर मैक्सिमम दिखेगा आपको, भाई एंगल अगर 10 रेडियन आ गया गड़बड़ हो गया ना मामला फिर तो आपका। तो ये विड्थ की और इस डिस्टेंस की आपस में रिलेशन है, यू कैन नॉट हैव एनी विड्थ और एनी डिस्टेंस, देयर इज सम रिलेशन बिटवीन दिस W एंड D, राइट।
या ए और डी? ठीक है, यस ओके। तो इसमें जो एक चीज और बताता हूँ आपको, न्यूमेरिकल आप कर लोगे सारे इसके। इसमें एक लास्ट चीज है, आपके जो डिफ्रेक्शन होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होता है डिफरेंशियल डिफ्रेक्शन, फ्रैक्शनल डिफ्रेक्शन होता है एक, और एक होता है फ्राउनहोफर। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें आपके फ्रैक्शनल डिफ्रेक्शन में क्या होता है, सोर्स ऑफ लाइट और स्क्रीन जो होते हैं, सोर्स एंड स्क्रीन आर एट फाइनाइट डिस्टेंस, आर एट फाइनाइट डिस्टेंस। ठीक है, और फ्राउनहोफर में क्या होता है, सोर्स एंड स्क्रीन आर एट इनफाइनाइट डिस्टेंस। इसका मतलब क्या, देखो अगर मैं बोल रहा हूँ सोर्स इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है, उसका मतलब है कि रे आपकी ऐसे आएंगी, जब इनफाइनाइट डिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो रे ऐसे आएंगी, तो सोर्स एट इनफाइनाइट डिस्टेंस वाला केस हो गया। अगर मैं बोलूँ सोर्स फाइनाइट पे है तो फिर रे ऐसे आएंगी। ठीक है, तो ये सोर्स फाइनाइट पे हो गया। अगर मैं स्क्रीन की बात करूं, अगर आपकी रे जो है यहां से टकराने के बाद पैरेलल हो गई ऐसे, देन स्क्रीन शुड बी एट इंफिनिटी, स्क्रीन शुड बी एट इंफिनिटी। और अगर मान लो आपकी रे ऐसे हो गई इनफाइनाइट पे मिली, देन स्क्रीन इज एट फाइनाइट डिस्टेंस। ठीक है, तो ये में डिफरेंस है। इस केस में क्या करना पड़ता है फिर आपको, इस केस में आपको यहाँ पे फाइनाइट डिस्टेंस पे अगर आपको स्क्रीन रखनी है तो यू हैव टू अप्लाई सम लेंस ओवर हियर सो दैट जो रे आ रही है वो जाके कहीं स्क्रीन पे कन्वर्ट हो पाए। ठीक है, तो इस केस में आपको लेंस वगैरह का यूज करना पड़ता है। ठीक है, तो ये बात क्लियर हुई, दोनों डिफ्रेक्शन क्लियर हुई। तो इसमें एक्चुअली ये जो कंडीशन आएंगी डिफरेंट डिफरेंट, डी और ए के लिए कंडीशन डिफरेंट डिफरेंट आएंगी, तो अकॉर्डिंगली आपके चीजें भी वेरी होती जाएंगी। इसलिए यहाँ पर दो डिफ्रेक्शन होते हैं, इसकी डिटेल में हमें नहीं जाना, केवल हमें पता होना चाहिए उसके डिफ्रेक्शन में फर्क क्या होता है, दोनों में दोनों डिफ्रेक्शन में फर्क क्या होता है, बाकी आपको इस चीज में क्लियर होनी चाहिए। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर? यस सर। ओके, ठीक है, तो ये आपका डिफ्रेक्शन की थ्योरी थी, और इसके बाद आपका जो है मेनली पोलराइजेशन शुरू होगा। तो अगली क्लास में हम लोग इसके पोलराइजेशन देखेंगे कि पोलराइजेशन क्या होता है, छोटा छोटा टॉपिक है, तो हमारा लास्ट टॉपिक है इसका, ऑप्टिक्स का, इनफैक्ट आपका फिजिक्स का लास्ट टॉपिक है, तो उसको अगली क्लास में हम खत्म करेंगे। ठीक है, तब तक आप लोग जो है YDSC और डिफ्रेक्शन दोनों के अपने CBSE लेवल के क्वेश्चन देख लो, कोई अगर डाउट है तो वी कैन डिस्कस इन द लास्ट क्लास, राइट? ठीक है, ओके सर, ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, टिल देन गुड बाय, टेक केयर ऑल।